तो गाइज अभी हमारा हो रहा है लंच का तैयारी, तो मैं लंच में अभी दाल में तड़के लगाई हूँ और बाकी हमारा सब्जी मॉर्निंग में ही बना था, मॉर्निंग का है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं सहजन ली हूँ, सहजन वाले भैया आए थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जी बहुत ताज़ी मिलती है सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में, खेत से टूट के आती है यहाँ पे सब्जी, तो बहुत ताज़ा था ये सब्जी और ये मेरा बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे परवल ली थी, परवल भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे साग क्लीन की हूँ, बट इसे वॉश करके अभी साग बनाना है, तो ये मैं इवनिंग के टाइम में बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरा सब्जी बना हुआ है, प्लस ये बैंगन का भरता बना हुआ है, और यहाँ पे तावा रख दी हूँ मैं रोटी सेकने के लिए, तो अब सेकूंगी पहले मैं रोटी। दाल में तड़का लग गया है, पहले फटाफट सेक लेती हूँ मैं रोटी। तो गई यहाँ पे हमारा बन रहा है नींबू पानी, क्योंकि हमारे पेट में हो रही है बहुत जोर से जलन, तो मैं सोची नींबू पानी बना के पीती हूँ। तो गाइस हमारा बीपी हो रहा है लो, मतलब लो होता है तो हमें क्या होता है ना, चक्कर आने लगता है, और चक्कर आने की वजह से मतलब चलती हूँ तो ऐसे लगता है गिर नहीं जाओ, इस तरीके के फील होता है। और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी होने लगी है, और मेरा फ़ैन भी ख़राब हो गया है, देख सकते हो वो फ़ैन भी नहीं चलता है। और इमरजेंसी में मैं ये इस फ़ैन को बहुत पुराना पड़ा हुआ था ड्रॉबर में, इसे निकाल कर लाई, बट ये भी एक दिन सही चला, उसके बाद आवाज़ आने लगा, और बिजली वाले भैया को मैं कॉल की थी तो वो नहीं आया, क्योंकि अभी बीच में होली की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं और मैं बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हूँ, हमारे साथ बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। मुझे तो ऐसे लगता है ना कि लोग काफ़ी के किस्मत इतने अच्छे होते हैं ना कि वो मिट्टी छूते हैं सोना बन जाता है, बट मैं सोना छूती हूँ तो मिट्टी बन जाता है, तो बहुत ही गंदा किस्मत चल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। और तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगा है, कि तबीयत ठीक होने का रीज़न तो ये है कि जैसे अब मैं बहुत ज़्यादा किसी बात का टेंशन ले लेती हूँ, अगर कोई पॉइंट कहीं कोई बोलता है वो मेरे पास आ जाता है तो वो बात ना मेरे माइंड में चलते रहती है चलते रहती है, मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, उससे जवाब लगाने नहीं जाती हूँ, बट वो चीज़ ना मेरे माइंड से नहीं निकलता है, वो चलती रहती है मेरे माइंड में, और इसी वजह से मुझे हाफ सा भी चढ़ने लगा है और बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ कसम से। ऐसा लाइफ से तो अच्छा लगता है कि मौत ही सही था, मौत ही हो जाता। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप हर जगह मुझे लेकर चलते थे, यहाँ क्यों आप छोड़कर चले गए, और मुझे अब साथ में बुला लो, अब मुझे नहीं मन करता है यहाँ रहने का, बिल्कुल भी नहीं मन करता है, मैं बहुत मजबूरी में हूँ क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा मजबूरी में हूँ, मेरा दिल नहीं करता, इनके बिना कैसे कैसे मैं हैंडल करूँ, हैंडल करने का कोई हल होता है, अकेले अकेले नहीं हो पाता है इतना, क्या क्या मैं एक लेडी जात होकर करूँगी, ये रहते तो कुछ भी काम पड़ता था खुद से कर लें या मिस्त्री को बुला लें, हर चीज़ कर लेते थे, मैं कहाँ तक जाऊँगी, क्या क्या करूँगी, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं अकेले कैसे आगे हैंडल करूँगी, बट मौत भी नहीं आता, मैं बहुत ट्राई करती हूँ, स्कूटी ड्राइव करती उस टाइम भी ऐसे चलती हूँ कि एक्सीडेंट हो जाता, गिर जाती, चोट लग जाता, कहीं कुछ हो जाता, बट वो भी नहीं मेरे साथ होता है। लोग समझाते हैं अगर तुम ऐसे करोगे कुछ हो जाएगा तो बच्चे को क्या होगा, फिर भी मैं वो भी बात सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, वो तो हैंडल भी नहीं खुद से कर पाएंगे। गाइस चलिए मैं अभी नींबू पानी पी लेती हूँ, थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, उसके बाद मिलूँगी आप लोग से, क्योंकि तो मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है, अभी मैं रोटी भी बनाई हूँ ना उठ के, हिम्मत करके बनाई, काम भी करती हूँ हिम्मत करके करती हूँ।
बहुत थक जाती हूँ यार, सुबह से थक जाती हूँ मैं अकेले। कभी इतना अकेले काम नहीं किया जितना मैं आज कर रही। मुझे ये हर सुख देकर छोड़कर चले गए। तो गाइज फाइनली मैं पंखा खरीद कर ले आई है। जाकर मार्केट देख सकते हो आप लोग, मैकेनिक को देख सकते हो, मैकेनिक लगे हुए हैं कसने में। और फाइनली पता नहीं कि कसाएगा कि नहीं कसाएगा, तो मैं भी अभी कंफ्यूज ही हूँ। चला गया बजा। इसको पता नहीं है उल्टा और सीधा ही क्या कसेगा, बताओ। कहाँ कसना है बताइए। मेरे वाला रूम में कसे तुमको आता है अरे कास? उसको उतार के पुरनका हाँ उतार के नया के हाँ वो जल गया, मतलब नहीं चल रहा है वो। नहीं चल रहा। नहीं चलता तो फिर क्यों लाती मैं? थोड़े पढ़ाया जी हरिया थे मिस्त्री शौक हमको थोड़े था पैसा वेस्ट करने का, मजबूरी में किए हैं ना। मेरे कसवा। हाँ तो गाइस फाइनली हम फैन का मजा ले रहे हैं और फैन मेरा कस गया, देख सकते हो चल रहा है अच्छे खासे हवा दे, अच्छा हवा दे रही है ये फैन। और बहुत ज़्यादा परेशान थे 3 4 दिन से, बहुत ज़्यादा परेशान थे, गर्मी झेल झेल कर एकदम आफत में जी रहे थे। बच्चे भी बहुत परेशान थे, अब देख सकते हो सूरज में भी पैर में चोट लगा कर आ गया और मैं पाउडर भी लगाई हूँ उसको, और कैसे फेस बना रहा मैंने। माना करती हूँ बेटा मत खेलो ज़्यादा लोगों के साथ। और ये फैन मेरे भैया आके कस लिए, मैं मिस्त्री को कॉल कर रही थी, कोई मिस्त्री कॉल रिसीव नहीं किया, तो हमारे भैया हैं पड़ोस में, वो भैया आके कस लिए। सुकून का नींद आएगा आज, बहुत अच्छा नींद आएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं और दोनों बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी टाइम इनकी कमी और ज़्यादा खलती है, बहुत ज़्यादा कमी खलती है इनकी। पर कोई नहीं, अब तो वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं, अब तो हमें ही संघर्ष करना है जैसे करूं। कहाँ जा रहे हो? पानी वो घर में नहीं है तो अगर चलिए मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन का भी काम अभी कंप्लीट करना है। किचन का काम नहीं हुआ है अभी, फैन में ही लगे हुए थे बहुत देर से। ट्राई कर रहा था कन्हैया, ट्राई कर रहा था उससे नहीं हो पाया, तो एक बगल के भैया बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने भैया से कम नहीं है वो भी भैया, तो वो बोले मैं कस देता हूँ, तो वो भैया आकर कस दिए और लगा कर चले गए। नहीं तो मैं और बच्चे दोनों गर्मी में बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। क्या जिंदगी है ना। तो भाई चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से किचन में अब। तो भाई मेरा डिनर डिनर फाइनली बन गया, जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी कि किचन में लेकर चलूँगी, बट मुझे कुछ इधर का बाहर का काम था इसलिए मैं खास कुछ नई डिनर रेडी कर पाई। मैं सब्जी कट की थी बट सब्जी भी नहीं बना पाई, वो सब्जी कट करके फ्रिज में रखनी हूँ, मॉर्निंग में बनाऊँगी। और मैं बस ओनली अभी साग और ये बैंगन का भरता सुबह का बचा हुआ है, और यहाँ पे तो मैं ली हूँ चावल और प्याज और अचार और सूखा मिर्च, और बच्चे लोग के लिए रोटी। तो ओनली आज का डिनर बना है साग और रोटी, आप लोग हंसोगे भी, बट आज सब्जी नहीं बना पाई क्योंकि मुझे काम इधर का पड़ गया था कुछ, तो इधर भी देख रही थी किचन भी देख रही थी तो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देख सकती हूँ सब लोग का हो रहा है डिनर, दोनों बैठे हुए डिनर कर रहे थे, और बस मैं अभी अभी खा लेती हूँ और खाना है। तो गाइज चलिए मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं खींचूंगी क्योंकि बहुत लोगों को रिक्वेस्ट होता है कि दी आप रोज़ ब्लॉग डाला कीजिए, रोज़ ब्लॉग डाला कीजिए, वेट करता हूँ। तो रोज़ नहीं हो पाता है क्योंकि हमें पॉइंट होनी चाहिए ब्लॉग के लिए। डेली ब्लॉग है, डेली रूटीन हर किसी का घर का यही है, झाड़ू पोछा नहाना धोना और खाना बनाना यही होता है। तो जब मैं कुछ खास बनाती हूँ तो अगर कुछ खास होता है तो आप लोग के सामने शेयर करती हूँ, नहीं तो कुछ न्यू होता है तो शेयर करती हूँ। और मेरे लाइफ के बारे में पता ही है कि मेरा लाइफ कितना टॉप कट रहा है, तो बहुत ज़्यादा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, तो इस वजह से मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ। बट कोशिश तो करती हूँ कि आप लोग को ब्लॉग दूँ, बट एक दो दिन का गैप हो जाता है उसके लिए सॉरी।
और बस अभी खाना पीना खा के बर्तन धो के किचन क्लीन करूंगी। किचन क्लीन करने के बाद नींद, आज तो नींद अच्छी आएगी। और देखो आज मैंने ना ये खरीदी थी, एक हाथी और बीच में ये आया था ना गेट पे बेचने के लिए, तो मैं खरीद भी अच्छा लग रहा था। मेरे नोज पे जख्म हो गया, खुजली भी मच रहा है, दर्द भी हो रहा है। तो गाइस चलिए, मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, प्लीज़ 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 अनसब्सक्राइब ना करें। हमें पता है जब खुशी मिलती है, जब देखते हैं ना हमारा सब्सक्राइबर बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, बट उससे ज़्यादा हर्ट होता है जब आप लोग अनसब्सक्राइब कर देते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगता है। अगर मेरी वजह से, छोटी सी हेल्प की वजह से किसी का हेल्प होता है तो उसमें पीछे कदमों से ना करें आप लोग। मैं भी करती हूँ, हर किसी का सब्सक्राइब करती हूँ, बट अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ। और ख़ास करके तो मेरे जैसे लेडीज जो भी हैं उनको मैं हर किसी को सब्सक्राइब कर रखी हूँ। मैं हर किसी से सपोर्ट मांगी, मुझे सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, बट ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं की तो उनको अनसब्सक्राइब कर दी। मैं हर किसी को सब्सक्राइब कर रखी हूँ मैं। चलिए फाइनली टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। अभी हो रही है नाइट बट ब्लॉग जाएगी मॉर्निंग में, तो फाइनली बाय बाय।